मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट सर गंगाराम हॉस्पिटल। जब भी किसी पेशेंट को या परिवार को बताया जाता है कि उनके घर में किसी को कैंसर है, तो और ऐसा लगता है कि ऊपर से आसमान टूट पड़ा है और ज़िंदगी का अंत है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, रिसर्च के ज़रिए से नई नई दवाइयाँ आ गई हैं, जिससे ना केवल पेशेंट्स की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है बल्कि क्योर भी किया जा सकता है। मैं आपको 3 या 4 उदाहरण दूंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे हमने दवाइयों के ज़रिए पेशेंट्स को ठीक किया है। एक्यूट ल्यूकीमिया, जो कि ब्लड कैंसर यूजुअली यंग बच्चों में होता है, ऑल ऑफ अ सडन होता है। 10-15-20 दिन की हिस्ट्री में उनका खून बनना बंद हो जाता है। जब बोन मैरो टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि उनके ब्लड में, बोन मैरो में कैंसर है, और जो कि वाइड स्प्रेड है। अगर ऐसे पेशेंट्स को टाइम से इलाज किया जाए, लगभग 4 से 6 हफ्ते का शुरुआती इलाज होता है, तो 100 में से 90 बच्चे या मरीज ठीक हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि 100 में से 90 पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, और ऐसे पेशेंट्स हम पिछले 20-25 सालों से कर रहे हैं, और 100 में से 70-80 परमानेंटली क्योर भी हो जाते हैं, खासतौर पर जो यंग बच्चे होते हैं। इसी तरह से बड़े लोगों में आए तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में नंबर 1 कैंसर है। उसमें ब्रेस्ट कैंसर जब एडवांस स्टेज में पकड़े जाते हैं, उसमें हार्मोन पॉजिटिव जो कैंसर रहते हैं, उनमें सिंपल मेडिसिन आ गए हैं जो कि पेशेंट्स घर रह के खाते हैं, उनमें कोई साइड इफेक्ट मोटा मोटा नहीं होता है, और उनकी लाइफ 5 साल 10 साल 15 साल आसानी से बढ़ रही है। जो HER2- पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें कीमोथेरेपी के संग संग हल्की कीमो के साथ HER2 टारगेटेड दवाई देते हैं, जिसमें कि ट्रास्टुजुमैब, पर्टुजुमैब, TDM1 और इससे भी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, जिनसे कि पेशेंट्स अगेन 5, 10, 15 साल एडवांस कैंसर होने के बावजूद चल रहे हैं। सिमिलरली लंग कैंसर, जो कि आज से 10 साल पहले बहुत ही घातक माना जाता था, अब टारगेटेड दवाइयाँ आने से EGFR पॉजिटिव, ALK पॉजिटिव, ROS पॉजिटिव, मेट एक्सॉन पॉजिटिव, इनमें सिंपल गोलियों से पेशेंट्स की लाइफ 5, 5, 10, 10 साल बढ़ रही है। और जिनमें ये टारगेट नहीं होता, उनमें हम इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं कीमो के संग, और आप विश्वास करें कि 100 में से 20-25% लोग परमानेंटली क्योर भी हो सकते हैं। फाइनली किडनी कैंसर, जो कि एक और कॉमन कैंसर है, अगर वो एडवांस स्टेज में पकड़ा जाता है तो इम्यूनोथेरेपी, जिनके कि बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, टारगेटेड दवाइयों के संग अगर दिया जाए तो अगेन 100 में से 20-25 लोग परमानेंटली क्योर होने की भी उम्मीद कर सकते हैं। तो बेसिकली यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर होता है तो आप घबराएं नहीं, पॉजिटिव सोच रखें, डॉक्टर की सलाह माने, जांच कराएं, और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि दवाई करने से, इलाज करने से आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी, बढ़ेगी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। धन्यवाद।